आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। उत्तर प्रदेश जल निगम के द्वारा जल संस्थान से ताजगंज तक पेयजल की लाइन डाली जा रही है। इस कार्य के चलते व्यापारियों को हर रोज लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। उत्तर प्रदेश के जल निगम के द्वारा जल संस्थान से ताज नगरी तक पेयजल की लाइन डाली जा रही है। इस कार्य के चलते व्यापारियों को हर रोज लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। जीवनी मंडी क्षेत्र तो आप मान के चलिए कि पूरा का पूरा बंद है। तकरीबन एक महीना इसको पाइपलाइन का कार्य शुरू हो गया है और इस क्षेत्र में जितने गोदाम है, दुकान है, शोरूम है, ऑफिस है, तकरीबन वो बंद जैसे ही है। कार उसमें नहीं हो पा रहा है क्योंकि कोई भी आवागमन नहीं हो रहा है। इस क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे गोडाउंस थे, वो उन लोगों ने तो अपना तो ट्रांसपोर्ट यहाँ से ट्रांसफर करके पल्ली पर चले गए हैं और शायद वो आगे आए या नहीं आए ये भी नहीं पता है। तो अगर वो ट्रांसपोर्ट यहाँ नहीं आती है तो जो लोकल व्यापारी है जिनको बड़ी सहूलियत देती थी, एक नग दो नग जो ट्रांसपोर्ट पर दे देते थे, उनको आगे बहुत परेशानी होगी, परेशानी अभी भी हो रही है। नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज आगरा के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने बताया कि एक महीने से अधिक समय से पाइपलाइन खुदाई का काम चल रहा है, जिसके चलते जीवनी मंडी में ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करने वाले ट्रांसपोर्टर्स ने यमुना पार अपना व्यवसाय ट्रांसफर कर दिया है। इससे भी व्यापारियों के समय और रुपए की बर्बादी हो रही है। अभी इस लाइन का आगे अभी कार्य तो बहुत बड़ा है क्योंकि ये ताजगंज तक जानी है। अभी तो जीवनी मंडी क्षेत्र ही डिस्टर्ब हुआ है, इसके बाद यमुना किनारा भी पूरा का पूरा डिस्टर्बेंस होने वाला है, उसके बाद आगे भी डिस्टर्ब होएगा, तो ये महीनों कार्य चलेगा। हमारी ये रिक्वेस्ट है संबंधित डिपार्टमेंट से कि इस कार्य को दिन रात करके लगा के और जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, जिससे कि आगरा की गतिविधियाँ जो है वो डिस्टर्ब ना हो। जल निगम द्वारा जीवनी मंडी वाटरवर्क से ताजगंज तक डाली जाने वाली पाइपलाइन के कार्य से क्षेत्रीय लोग भी परेशान हैं। सी न्यूज़ के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।